लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बड़ी पार्टी के दिग्गज नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेसियों में छाई जश्न की आंधी। जी हां, आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और ऐसे में सभी दिग्गज सुरक्षित ठिकाना तलाशने में जुट गए। और इसी क्रम में मायावती सरकार में मंत्री रहे सदल प्रसाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हां, माना जा रहा है कि सदल प्रसाद बासगांव लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। बता दें कि सपा और कांग्रेस के समझौते के बाद बासगांव सीट कांग्रेस के खेमे में है। बता दें कि बसपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सदल प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि सदल प्रसाद 2 दशक से अधिक समय तक बसपा में रहे। वे बासगांव विधानसभा से पहली बार 2002 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वर्ष 2007 में वे बसपा से फिर चुनाव लड़े और जीते। बसपा की सरकार बनी और उन्हें मई 2007 में व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद चुनावी सफलता उनसे रूट गई और वे लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन इस बीच आपको बताते चले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।